फ्री का राशन कमल का निशान, नगरीय चुनाव में बना लोगों का रुझान। वार्ड नंबर 40 से कमल निशान पर हर वर्गों का मिल रहा समर्थन। उत्तर प्रदेश में चल रहे नगर निकाय चुनाव में प्रयागराज जिले के नैनी स्थित वार्ड नंबर 40 से सभासद भाजपा प्रत्याशी लता दीक्षित पत्नी शिव शंकर दीक्षित का चुनाव प्रचार आम लोगों के जुबान पर बोलना शुरू कर दिया है। वैसे तो इस समय नगरीय सभासद चुनाव को देखते हुए अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी मतदाताओं को लुभाने हेतु तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों द्वारा तो गेहूं, कंबल आदि का मतदाताओं के बीच वितरण कर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज का मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि किए गए गेहूं, कंबल आदि के वितरण से प्रभावित ना होकर बल्कि मतदाता ये कहना शुरू कर दिए हैं कि इस समय चुनाव आ गया है, इसलिए प्रत्याशियों द्वारा लोगों को प्रलोभन देकर वोट लेना चाह रहे हैं। ऐसा तो भाजपा सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से गेहूं, चावल मुफ्त 5 किलो प्रति यूनिट के दर से राशन दिया जा रहा है, और ठंड के समय में भाजपा सरकार द्वारा गरीबों को पहनने के लिए कपड़े व ओढ़ने के लिए कंबल, आग तापने के लिए अलाव की व्यवस्था वार्ड के हर चौराहों पर की जाती रही है। इसलिए मतदाताओं का रुझान वार्ड नंबर 40 से भाजपा प्रत्याशी लता दीक्षित की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतदाताओं के कथनानुसार अगर इसी तरह कमल निशान के प्रति लोगों का रुझान चलता रहा तो वार्ड नंबर 40 की भाजपा प्रत्याशी लता दीक्षित को चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं रह जाएगा। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से राजेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।